अगर तुमने प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता दूं यार, हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, यही क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और तुम प्री बोर्ड में काफी अच्छा स्कोर करोगे। तो इस वीडियो को जितना शेयर करना शेयर कर दो यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सबकी हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर 1 जो कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप दिख रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके देखो यार, इसका मैंने आंसर मेंशन नहीं कर रखा है। तुम इसके आंसर के लिए बुक खोलोगे, तुम इसके आंसर के लिए किसी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तुम इसके आंसर के लिए किसी गूगल पे जाओगे, तो वो चीज़ें जब तुम देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और तुम काफ़ी अच्छा स्कोर भी करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ नेशनलिज्म। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड नेपोलियन प्ले इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये तीन क्वेश्चन बस तुम्हें ध्यान देख के जाना है, यही तीन क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। ये नहीं डिक्टो आएगा तो यार कम से कम इससे सिमिलर क्वेश्चन ही आने वाले, समझ रहे हो। चैप्टर 2 है जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसका पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंट्रीब्यूट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड महात्मा गांधी प्ले इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिज्म इन इंडिया से ये तीन क्वेश्चन, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप तुमने देख रहा होगा, देख लिया होगा, उससे ये तीन क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन तुम्हें आंसर देखने हैं। चैप्टर 3 की अब हम बात करेंगे। चैप्टर 3 में द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो यार, ये क्वेश्चन काफी, ऐसा नहीं कि मैंने उठाया दे दिया, काफी रिसर्च के बाद, काफी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन तुमको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन लाए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कराए जा रहे हैं। यही हिस्ट्री से लगभग या 9 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जो कि लास्ट में दूंगा, पहले के लिए 9 क्वेश्चन दे रहा हूँ। यही 9 क्वेश्चन तुम हिस्ट्री से अगर पढ़ ले रहे हो या तो तुम रट ले रहे हो इसके जवाब को, तो यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे सिमिलर ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो तीसरा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड कॉलोनियलिज्म अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड टेक्नोलॉजी प्ले इन ग्लोबलाइजेशन। यही कुछ 9 क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को देख के जाना, इसी क्वेश्चन को रट के जाना, तुम्हारे प्री बोर्ड का एग्जाम SST में, हिस्ट्री में 20 का 20 मार्क्स तुम कवर करोगे, ये मेरा दावा है। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हाँ यार, और ऐसे ही वीडियोज अगर तुम जियोग्राफी सेक्टर के लिए भी चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करो फॉर जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए भी तो कमेंट करोगे तो उसी अकॉर्डिंगली एक जियोग्राफी वाली वीडियो आफ्टर दैट इसके आएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।